अगर आपका प्रिंटर भी एसआई प्रिंटिंग एरर दे रहा है तो उसे सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, सर्च बार में आना है और यहाँ पर कंट्रोल पैनल सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू डिवाइसेस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपना जो आपका प्रिंटर है उस पर सेलेक्ट कीजिए। उस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ प्रिंटेंस पर कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्रेफरेंस पे आ जाइए। मेंटेनेंस पे, मेंटेनेंस के बाद यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट के बाद आपकी हेड क्लीनिंग होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपकी हेड क्लीन होकर कंप्लीट हो जाए तो मेरिट में थोड़ा सा काट के यहाँ से आपका वक्त बचाऊँगा। जैसे ही आपकी हेड यहाँ से क्लीन हो जाए आपको फिर से स्टार्ट कर लेना है, यहाँ प्रिंट देकर चेक कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये हेड आपकी क्लीन आ रही है या यहाँ से हेड हो रही है। जैसे ही हेड क्लीन हो तो आप प्रिंट लेकर चेक कर सकते हैं कि हेड क्लीन हुई कि नहीं हुई। और अगर ज़्यादा इशू आ जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता करके कलरफुल प्रिंटर के बारे में जो भी पूछना चाहे मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नोजल चेक कर लेना है। तो प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों किस्म के यहाँ पर अगर गुड क्वालिटी में आ चुका है अगर आपके पास प्रिंट तो आपकी प्रिंटिंग प्रिंटर ठीक हो चुका है। अगर नहीं तो डार्क दे रहा है कोई भी यहाँ पर आप पैटर्न दे रहा है तो आपको फिर से वही अमल करना होगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।